A very good morning to each and every student of class 3rd. We will proceed a new chapter, chapter 7, that's Birds Factual. Okay, this is a book, Knowledge Heap, and the chapter name is Birds Factual. Birds ki facts ke baare mein janenge. Theek hai, ye raha aapka chapter, that you have to match the picture to the fact on birds by writing the correct letter code. लेटर कोड दिया हुआ है बर्ड्स के सामने, देख सकते हैं आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच. ठीक है, देयर आर डिफरेंट बर्ड्स एंड हेयर इज द राइटिंग रिटन सेंटेंसेस दैट यू हैव टू पुट द करेक्ट कोड फॉर द बर्ड. ओके, आपको क्या करना है, करेक्ट कोड लिखना है इस ब्लॉक्स में. ठीक है, पेज नंबर 11 पे. ठीक है, ये अपनी बुक में ही करेंगे. नंबर वन देखिए, अ पिंक बर्ड दैट ईट्स विथ इट्स हेड अपसाइड डाउन. पिंक बर्ड, ठीक है, पिंक बर्ड कौन सी है इसमें, एच नंबर. ठीक है, दैट यू हैव टू राइट एच, दैट बर्ड नेम इज फ्लेमिंगो. ये किस तरीके से खाती है, हेड को अपने अपसाइड डाउन करके. नंबर सेकेंड, अ लार्ज बर्ड ऑफ प्री एंड सिंबल ऑफ द USA. ठीक है, लार्ज बर्ड, इसमें से लार्ज बर्ड कौन सी होगी, दो ही दिख रही है. ठीक है, बॉयल्ड ईगल और वल्चर. ठीक है, बट क्या सिंबल ऑफ USA, USA का सिंबल कौन है, ईगल है. दैट यू हैव टू मार्क ई ऑन नंबर सेकेंड. बर्ड नेम इज बॉल्ड ईगल. बॉल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो हेड पर का आप जो हेयर देखेंगे वो किस तरीके का है, वाइट कलर का है. तो इस वजह से ऐसी कैसी ये दिखती है, जैसे कि बॉल्ड मतलब क्या, गंजा, तो गंजे सर जैसा इसका सर दिखता है ईगल का, इसलिए इसको बॉल्ड ईगल बोलते हैं. नंबर थर्ड, अ चिकन साइज बर्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड. ठीक है, न्यूजीलैंड में कौन सी बर्ड पाई जाती है, सबको पता है कीवी. कीवी जो है न्यूजीलैंड में मिलती है. दैट यू हैव टू राइट द बर्ड कोड एफ ऑन नंबर थर्ड. नंबर फोर, अ पिजन दैट इज अ सिंबल ऑफ पीस. ठीक है, सिंबल ऑफ पीस कौन सा बर्ड इसमें होगी, डव. ठीक है, नंबर बी, कोड बी यू हैव टू राइट ऑन नंबर फोर. ओके, डव इज अ पीस ऑफ सिंबल, इज अ सिंबल ऑफ पीस. नंबर फाइव, अ टाइनी बर्ड दैट ईट्स फ्लावर नेक्टर. ठीक है, छोटी सी जो होती है बर्ड जो कि फ्लावर नेक्टर फीड करती है. ठीक है, कौन सा होगा, हमिंग बर्ड होती है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड मानी जाती है. तो सी, कोड सी विल बी ऑन फाइव. नंबर सिक्स देखिए, एन आर्कटिक सी बर्ड. आर्कटिक सी बर्ड कौन सी होगा, कौन सा होगा, ये आर्कटिक सी बर्ड आपका है डी, कोड डी लिखेंगे आप सिक्स पे. बर्ड का नेम क्या है, पफिन. पफिन जो कि है होती है ये आर्कटिक बर्ड होती है. ठीक है, नंबर सेवन देखिए, अ रेन फॉरेस्ट बर्ड विद अ ह्यूज कलरफुल बीक. ठीक है, इसके पास कैसे कैसी बर्ड है, इसके पास इससे ज़्यादा बड़ी, इसके शरीर से ज़्यादा बड़ी इसकी बीक होती है. बीक मतलब चोंच होती है, कलरफुल होती है. ठीक है, आप देख सकते हैं इस बर्ड को किस तरीके से दिख रही है, ये कलरफुल इसका बीक है. और इसको क्या बोलते हैं, टाउकेन. ठीक है, इसको बोलते हैं टाउकेन. सो द कोड ए ऑन नंबर सेवन. ठीक, नंबर एट, अ लार्ज बर्ड विद अ बॉल्ड हेड. ठीक है, अब एक ही बचा आपके पास. ठीक है, जी दैट इज वल्चर. वल्चर जो होता है लार्ज बर्ड होती है विद अ बॉल्ड हेड. अभी मैंने आपको बताया बॉल्ड मतलब क्या होता है, जिस बर्ड के सर के बाल कैसे सफ़ेद है ना. ईगल में देखिए सफ़ेद है, वल्चर में भी सफ़ेद बाल होते हैं, इसलिए इसको बॉल्ड हेड बोलते हैं. ठीक है, वल्चर होगा ये बर्ड होगा, नंबर जी कोड है जो कि एट के लिए है. ठीक है, हो गया स्टूडेंट, राइट करेक्टली इन योर बुक कोड्स फॉर द बर्ड्स. फैक्टर देखिए क्या है, ऑस्टरिच. ऑस्टरिच आईज आर द लार्जेस्ट ऑफ एनी एनिमल दैट लिव्ड ऑन लैंड. ठीक है, ऑस्ट्रिच की जो आंख होती है सभी एनिमल में सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ अ बिलियर्ड बॉल. ठीक है, बिलियर्ड आप गेम होता है, उसकी जो बॉल होती है उसके साइज बराबर उसकी आंखें होती हैं. देयर आइज आर एक्चुअली बिगर देन देयर ब्रेन. उनकी जो आंख होती है वो उनके ब्रेन के साइज से भी बड़ी होती है. ठीक है, ये हो गया आपका फैक्टर. ठीक, सो ये नेम्स बर्ड्स के आप याद करेंगे. ठीक है, जितने भी नेम्स इसमें बर्ड्स के दिए हुए हैं, ट्राई टू लर्न ऑल द नेम्स. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग.